नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। समाज सेवी फैजल उर्फ बन्ने खान सुनवारा आजमगढ़ की तरफ से समस्त देशवासियों को रमजान और ईद की दिली मुबारकबाद। कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े ही लंबे होते हैं। अपराधी कितना ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन वह पुलिस के हाथों बच नहीं सकता। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए तेज तरार एसएसपी अजय साहनी के नेतृत्व में 10 साल बाद पुलिस ने एक 25,000 के इनामी अपराधी को पकड़ा है। आपको बता दें कि अलीगढ़ पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब 10 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त आरोपी हत्या, लूट, चोरी जैसे दर्जनों मुकदमों में पंजीकृत है। नाम बदल कर जगह जगह रहने के कारण यह आरोपी बहुत दिनों से पुलिस की पकड़ से दूर चल रहा था, लेकिन एसओजी टीम ने इस आरोपी को निबरी गांव से दबोच लिया। आरोपी बहुत ही बड़ा क्रिमिनल बताया जा रहा है। वह 3 जगह अपना ठिकाना बनाकर रह रहा था। बीते दिनों गांव बिस्वा में भी लूट और हत्या के मामले में उसका नाम सामने आया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये मीनू उर्फ यासीन है, जिसपे दर्जन भर से अधिक गंभीर मामले हैं और वर्ष 2008 से गैंगस्टर एक्ट के तहत बातचीत था। 25,000 रुपए का इस पर रिवार्ड था। स्वाट टीम द्वारा एसपी सिटी और क्राइम के नेतृत्व में इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसको अब हम लोग न्यायालय के समक्ष पेश करें। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।